हाँ जी, पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 2. अ बेसबॉल ऑफ मास 150 ग्राम्स ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड इज कॉट बाय अ फील्डर एंड ब्रॉट एंड रेस्ट In 0.04 seconds, the force applied to the ball and the distance over which the force acts. Surbhi, क्या डाउट है? सर कैसे होगा सर, ये थोड़ा सा कौन सा पार्ट, फोर्स या डिस्टेंस? सर। फोर्स फोर्स का फॉर्मूला बोलो, न्यूटन सेकंड लॉ। एम ए फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टाइम। पी अपॉन टी, विच इज एम, चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट? वी हैव मास, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? जीरो जीरो। इनिशियल 20 ट्वेंटी, सर हो टाइम जाएगा, सर हो जाएगा हो जाएगा। थ्री फोर, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड कौन सा थर्ड? अ बॉल ऑफ मास 600 ग्राम स्ट्राइक्स अ वॉल विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल। 30 डिग्री विद द वॉल दे रखा है यहाँ पे, विद द सरफेस वाला है, एंड रीबाउंड्स विद द सेम स्पीड एट सेम एंगल विद द वॉल, द चेंज इन मोमेंटम। हाँ भाई कुशल, ये सर आंसर ठीक नहीं आ रहा। क्या फॉर्मूला यूज किया है? -2 mu sin थीटा तो इसमें साइन थीटा वाला यूज होता है, यस सर। तो 2 mu sin थीटा आंसर सही नहीं आ रहा क्या इसका बच्चों? सही आ रहा सर, सही आ रहा है, सही अरे आ रहा सर, 600 बाय 1000 मेरे इंटू आ यू गया सर, आ गया सर, यार। पाई से नहीं करा था। पांच तक सिक्स, यस सिक्स है। सर अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद स्पीड हमें दे रखे हैं, एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस हमें दे रखा है, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स? नमन, यस सर। रेजिस्टिव फोर्स, फोर्स निकाल लिया हमें, क्या फॉर्मूला है फोर्स का? सर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी बाय टी, तो फोर्स इज डेल्टा पी बाय टी या एम ए कुछ भी यूज कर लो, दैट इज एम इनटू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं है, राइट? तो अगर यस मुझे वी माइनस यू बाय टी, मतलब एक्सेलरेशन है बेसिकली ये, तो अगर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो आई कैन यूज, मेरे पास देखो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 90, यस लेकिन उसका डिस्टेंस दे रखा है, तो एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगी। नमन, यस सर, ये जो डिस्टेंस है सर वो वुडन ब्लॉक के अंदर है या टोटल डिस्टेंस है? अंदर का है, पहले तो वो कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रही थी, जैसे ही वुडन ब्लॉक के अंदर घुसी बुलेट तब उसको रेजिस्टिव फोर्स लगनी लगी और यहाँ पे आके रुक गई। ओके सर, निकल जाएगा सर फिर तो, बस ये डाउट था कि डिस्टेंस जो वो वुडन ब्लॉक के अंदर है नहीं। हाँ तो इसमें थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे, यस सर, वहां से एक्सेलरेशन आ जाएगी, उसको इधर पुट कर दो। ठीक है सर, थैंक यू सर। सेवन, सर यस, इसमें 60 सेंटीमीटर को मुस्कान मीटर में करेंगे, एसआई में। हाँ जी बोलो, सर 7th वाले में टोटल मास सर वो प्लस करके लेंगे 3 व्हीलर का और सर ड्राइवर का। ड्राइवर इज अ चाइल्ड,
स्टैंडिंग व्हाट इज द एवरेज रिगार्डिंग फोर्स ऑफ द व्हीकल द मास ऑफ द थ्री व्हीलर मास हां दोनों 465 465 करेंगे इसमें ओके सर एट नाइन टेन एट मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास एम इज डिस्क्राइब्ड बाय ठीक है द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल निवेदिता इसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है निवेदिता एफ फिजिकल टू डेल्टा पी बाई टी या फिर एम में यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है इस इक्वेशन से पता लग रही है जी सर कितनी है जी जी है ना यस सर जी तो बस ठीक है फिर m into a d आ गया फोर्स ओके सर 9 10 टेंथ में सर पहले फोर्स को सब प्लस करेंगे और एक्सेलरेशन से डिवाइड कर देंगे और ऐसा क्यों करेंगे थोड़ा यू नीड टू बी लाउडर सर टेंथ में हम मास कैसे निकालें मतलब मास हमें निकालना है तो इन दोनों का पहले हमें क्या करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा लेकिन ऊपर में से 5 कॉमन ही निकाल लो वही बन जाएगा नीचे वाला फोर्स इज इसको 5 कॉमन निकालेंगे ना यही बनेगा ना 2y कैप प्लस 15 j कैप सॉरी 3j कैप 5 प्लस 5k कैप एंड दिस इज m इनटू एक्सेलरेशन यही एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है तो मास 5 आ गया तो सर सीधा डिवाइड करना था वो अच्छा ठीक है सर हाँ हाँ सीधा दो वेक्टर्स को डिवाइड नहीं ना कर सकते yes, sir. तो इसलिए यू कांट डिवाइड ऐसे डिवाइड मत लिख देना ये गलत है वी कांट डिवाइड टू वेक्टर्स वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके दूसरा वेक्टर आ सकता है okay, sir. तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के भी कर सकते हैं ना बिल्कुल कर सकते हैं बट वो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएंगी उसमें इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगी 100 फिर 225 625 ये स्क्वायर्स पता है तुम लोगों को ना 25 तक के यस सर ठीक है सर 9th बता दो एक बार 9th में अ पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी हमें दे रखी है विद टाइम हमें निकालनी है फोर्स Force is equal to what? dp by dt. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको मैं लिख सकता हूँ p को m into v. m बाहर आएगा क्योंकि constant है m. m into dv by dt. अब मेरे पास vt graph है. vt graph से अगर मुझे dv by dt निकालना है, मतलब क्या निकालना है? Acceleration निकालना है मतलब इसकी क्या slope निकालनी राइट तो मुझे स्लोप निकालनी है इन तीन पॉइंट्स पे 1 सेकंड पे 4 सेकंड पे एंड 7 सेकंड पे व्हाट इज द स्लोप एट 1 सेकंड 5 मीटर पर सेकंड अच्छा स्लोप ये 1 सेकंड पे ज्यादा है या 2 सेकंड पे ज्यादा है सेम है बढ़ नहीं रही इधर जाते हुए देखो ऊपर चढ़ रही है चढ़ाई फिर वो भी तो बढ़ रहे हैं टाइम भी बढ़ रहा है सही है चलो अच्छी बात है याद है कॉन्सेप्ट्स तो इधर इधर स्लोप कितनी है जीरो है स्लोप और इधर क्या है डिक्रीजिंग लेकिन 5, 6, 7, 8 के केस में कांस्टेंट है आगे वाले केस से डिक्रीज हो रही है आगे वाला मतलब ये यहाँ से
मतलब अगर मैं 4 सेकंड और 7 सेकंड पे बात करूं एक्चुअली डिक्रीज इज सर नेगेटिव नेगेटिव सर नेगेटिव नेगेटिव है डिक्रीजिंग नहीं है इट इज नेगेटिव कांस्टेंट यस और कितनी है ये -5 है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करेक्ट मास को ग्राम ग्राम में दिया उसको केजी में कन्वर्ट करो -5 कैसे आई डेल्टा वाई तो डेल्टा वाई तो सर हमने किस पे देखनी है एक्चुअली 7 सेकंड्स पे सर कैसे करेंगे तुम्हारे ना आवाज बहुत कम आ रही है माइक तुम्हारा बहुत दूर है अब ठीक आ रही है सर हां पहले से ठीक है बट थोड़ा सा बी लाउडर ठीक है सर हाँ बोलो क्या डाउट है इसमें इसमें सर स्लोप -5 कैसे आएगी मुझे तो खुद नहीं पता तुम बताओ स्लोप तो मुझे पता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स डेल्टा वाई कितना है डेल्टा वाई कितना है 15 हैं 15 सर 15 है y1 कितना है तो 7 सेकंड्स वाला हां यहां से लेके यहां तक पूछ रहा हूं मैं फाइनल माइनस इनिशियल y व्हाट इज फाइनल y y2 कितना है 15 कितना 15 0 0 फाइनल y इज 0 यहाँ पे y कोऑर्डिनेट इज 0 इनिशियल कोऑर्डिनेट इज 15 डिवाइडेड बाय डेल्टा x फाइनल x इज 8 माइनस इनिशियल x इज 5 ओके सर तो -15/3 पार्ट सी डिस्कस हो चुका था हमारा है ना एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 अभी छोड़ दो मैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स तुम लोगों को कराऊंगा इस चैप्टर लेटर इन दिस चैप्टर वी विल डू दिस Question number 2. Three. Second mein the change in momentum per unit time of a body represents. इनायत क्या डाउट है इसमें चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम फॉर्मूला किसका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स थर्ड फोर्थ फोर्थ हाँ जी मीनू ने एंगल अल्फा हॉरिजॉन्टल के फोर्थ सर हाँ बोलो इन्होंने एंगल अल्फा हॉरिजॉन्टल के साथ दिया यानी कि नॉर्मल के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है और ग्राउंड है तो ग्राउंड होगा ना हॉरिजॉन्टल तो हाँ चलो ग्राउंड के साथ तो हम सर 2mu cos थीटा नहीं लेंगे क्या मतलब फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम का जी हाँ कौन सा मोमेंटम चेंज होता है यहाँ पे पहले तो बता कौन सा एंगल दिया हुआ है इन्होंने अल्फा ग्राउंड के साथ या नॉर्मल के साथ ग्राउंड सर ग्राउंड अब मुझे ये बताओ कि कौन सा मोमेंटम चेंज होता है एक्स वाला या वाई वाला
यहाँ से लेके टॉप पॉइंट तक पूछा ना उसने, नहीं स्टिल इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड यहाँ तक पूछा है सर. आ गया समझ में. आ गया समझ. कौन सा चीज होता है मुझे भी समझा दे सर. वो वाला कौन सा हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल वाला चेंज होता है एक्स. नहीं नहीं वो नॉर्मल वाला वर्टिकल. वर्टिकल वर्टिकल वाला चेंज होता है. सर कंफ्यूज कर रहे हो आप. हाँ कर रहा हूँ सर. वर्टिकल वाली होता है पक्का. वर्टिकल वाला होता है. हाँ वर्टिकल होता है या टोटल होता है सर. बता नहीं पता नहीं सर. वर्टिकल वाला होगा या टोटल मोमेंटम चेंज होगा. मोमेंटम टोटल मोमेंटम चेंज होगा. हैं टोटल टोटल चेंज होगा. वर्टिकल तो चेंज होगा. बता नहीं सर. आप बता दो. अरे दिमाग लगा तो कोई नहीं पता लग जाएगा सर. चेंज तो टोटल ही होना चाहिए. टोटल नहीं होना चाहिए. वर्टिकल नहीं होना चाहिए. तुषिता सर वैसे एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो जीरो होती है. तो वर्टिकल और टोटल सेम ही नहीं होंगे. सेम ही होंगे वर्टिकल और टोटल. वर्टिकल मोमेंटम और हॉरिजॉन्टल मोमेंटम और ये टोटल मोमेंटम सेम ही होंगे. हैं नहीं सर. वही को नहीं बता. तो वर्टिकल मोमेंटम चेंज. वर्टिकल मोमेंटम भी चेंज होगा सर. क्या कह रही है तुषिता. क्या कह रही है वर्टिकल चेंज होगा. आप मेरे को कंफ्यूज कर जाते हो. मैं सही बता रही हूँ कब की. क्या पता तुषिता भी गलत बता रही हो. फिर नहीं मेरे को पता. नहीं सर वर्टिकल ही चेंज होगा. वर्टिकल नहीं चेंज होगा. वर्टिकल नहीं चेंज होगा सर. वो चेंज होगा. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चेंज होगा या नहीं होगा ये बताओ मुझे पहले. तो हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होगा. अब टोटल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होते हैं कि नहीं होते. तो अगर वर्टिकल चेंज हो गया तो टोटल भी चेंज होगा. तो वर्टिकल भी चेंज होगा और टोटल भी चेंज होगा. मैं सही बता रही थी सर. आप जानबूझ के तुमने वर्टिकल बोला था. सिर्फ मैंने कहा था अगर वर्टिकल चेंज होगा फिर मैंने बाद में कहा कि टोटल भी चेंज होगा. आप कहते एक चेंज होगा. मैं क्या फिर वर्टिकल चेंज होगा. फिर आपने कहा कि एक चेंज होगा. बिल्कुल नहीं. रिकॉर्डिंग सुन लेना बाद में. सर मैं कंफ्यूज होगी ना. आपने कुछ नहीं कहा. तो जिया को एक बार. हाँ सर ये फर्स्ट करियर कोई नहीं. सर मेरे को आता था. सर मेरे को आपने कंफ्यूज किया. हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हें आता था. बट द पॉइंट इज कि तुम लोगों को देखो आता तो है बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना. एक झटके में अगर कंफ्यूज हो जाए तो टेक 5-10 सेकंड्स एंड रिवर्ट कि हाँ नहीं सर ऐसा है. मतलब हाँ कंफ्यूजन अपनी कॉन्सेप्ट ऐसे बनाओ ताकि कंफ्यूज कोई भी करे. कंफ्यूज नहीं होना तुम लोगों को. एक्सक्यूज मी सर. राइट मिलन एंड गुरकर्मन एंड जो भी पुराने बच्चे हैं. सिमरन हाँ जी बोलो. तुषिता बोलो. सर एक ना इस पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आया. पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन. यस इसी पार्ट का. हाँ हाँ पहुंचने तो दो क्वेश्चन नंबर 6 तक. नो सर. 8 तक. हाँ जी 8 तक. 10 12th. When forces F1, F2, F3 are acting on a particle of mass m such that 2 and 3 are perpendicular, then the particle remains stationary.
If F1 is now removed, then find the acceleration of the particle. ठीक है. एक पार्टिकल उसमें तीन फोर्सेस लग रही हैं, जिसपे जिसमें से दो फोर्सेस जो है वो परपेंडिकुलर है. ठीक है जी. तो मान लो ये है F2, ये है F3. सर हाँ जी, ने मतलब जो फोर्सेस पार्टिकल के टुवर्ड्स लगेंगे ना, वैसे तो क्या लगेंगी, पार्टिकल पर लगेंगे, तो सर एरो पार्टिकल की तरफ नहीं होना चाहिए, पार्टिकल की तरफ नहीं होना चाहिए एरो फिर. ओहो ठीक है, ऐसे बना लो. चलो आपने पैरेलल डिस्प्लेस कर दिया. हाँ पैरेलल डिस्प्लेस कर दिया. तो ये है, अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं. अब तीसरी फोर्स मैं कहाँ बनाऊं ताकि पार्टिकल रिमेन्स इन स्टेशनरी. सर इन रिजल्टेंट के ऑपोजिट. सर इनके रिजल्टेंट के ऑपोजिट. वेरी गुड, इनके रिजल्टेंट के ऑपोजिट बनेगा ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए. इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ये बनेगा, और जो तीसरी फोर्स है वो ये बननी चाहिए. ये दिस इज F1. यस, यहां तक ठीक है. अब उसने क्या किया, इफ द फोर्स F1 इज नाउ रिमूव्ड. अगर मैं फोर्स, अच्छा एक बात बताओ उससे पहले, अगर ये वाली F1 है फोर्स, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ, मैग्नीट्यूड लिखा मैंने तीनों फोर्सेस पे ना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ F2 और F3 का रिजल्टेंट भी F1 के बराबर ही है. यस सर. ऑब्वियसली तभी ये दोनों कैंसिल होकर जीरो हो पाएंगे. यस सर. ठीक है चलो. अब उसने क्या किया, F1 को रिमूव कर दिया, मतलब ये वाली फोर्स उसने हटा दी. जब ये फोर्स हटा देंगे तो नेट फोर्स कितनी बचेगी, F2 और F3 का रिजल्टेंट. F2 और F3 का रिजल्टेंट बचेंगे, हाँ के ना, जो कि F1 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, हाँ के ना. यस सर. तो एक्सेलरेशन क्या बनेगी, F1 अपॉन मास. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. ठीक है. 13, 14. हाँ जी 13. A body of mass 5 kg starts from origin with an initial velocity हमें दे रखी है. Origin से start हुआ है वो, initial velocity है, constant force है, मतलब acceleration है हमारे पास. Find the time in which the y component of the velocity becomes zero. Okay, तो I have initial velocity 30i plus 40j. I have acceleration which is force vector upon mass vector, तो वो कितना होगा, -1/5 i cap -1 j cap, right? अब मेरे को vy zero करना है, उसने क्या बोला, time in which y component of the velocity becomes zero, तो vy zero करना है, तो y में equation लगा दो, y direction में, कौन सी? -1/5 कैसे आया? ये divide किया मैंने, force को mass के साथ. ये मास है, ये फोर्स है. तो वाई डायरेक्शन में इक्वेशन कौन सी लगाएंगे ताकि मेरे पास टाइम आ जाए? सर फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फाइनल इज जीरो, इनिशियल इज 30 प्लस एक्सेलरेशन कितनी है वाई में, -1, करेक्ट, एंड टाइम इज टी जो हमें फाइंड करना है, तो टी मेरे पास कितना आ गया. Clear? Yes. तो U 40 नहीं लेंगे? तो U 40 नहीं लेंगे? Yes. ओह सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ हाँ, मैंने X वाला ले लिया. Right 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 right. My mistake. It will be 40. ठीक है. भावना समझ गए तुम लोग. चलो next. 14. हाँ जी 17. यस सर. चलो अब देखते हैं 17 में क्या क्या दे रखा है इसने. थोड़ा लेंदी है ऐसे क्वेश्चन. अ बॉडी ऑफ मास 0.4 केजी मास दिया हुआ है, इनिशियल moving initially with a constant speed of 10 meter per second to the north is subjected to a constant force
फोर्स दे रखी है हमें एंड डायरेक्टेड टुवर्ड साउथ, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, मतलब बॉडी ऑब्वियसली क्या करेगी, रिटार्ड करेगी है ना. एक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी टी इज इक्वल टू जीरो, फाइंड द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट द टाइम, द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टाइम एट दिस टाइम इज एक्स इज इक्वल टू जीरो, प्रेडिक्ट द पोजीशंस, तीन टाइम्स पर हमें पोजीशंस फाइंड करनी है. ठीक है, इसके लिए मैं फिर इसका आंसर मैंने ट्राई किया था, कुछ ज्यादा ही बड़ा आ रहा है, कितना बड़ा आएगा? हाँ हाँ मेरे ख्याल आंसर इसका बड़ा ही है, तो चेक कर लेती ना पीछे से मैच कर रहा है नहीं कर रहा. फिर मेरा आंसर तो आ गया, लेकिन ना बस एक पहले पार्ट में मेरे प्रॉब्लम है इसके, वो पीछे इन्होंने टाइम माइनस लिया हुआ है शायद. टाइम माइनस इसलिए दिया हुआ है क्योंकि उसने वो बॉडी जो है पहले से चल रही है, तो हमें प्रेडिक्ट करना है कि 5 सेकंड पहले कहाँ होती, ये प्रेडिक्ट करना है. ठीक है, चलो देख लेते हैं. हाँ, यानी कि जब एक्सेलरेशन नहीं हो रही थी, फोर्स नहीं लग रही थी. यस एग्जैक्टली, तब ठीक है सर. और सर इसके ना लास्ट पार्ट का आंसर पता नहीं क्या मेंशन करा हुआ है, वो क्लियर नहीं है, वो देख लेना एक बार. चलो देख लेते हैं. तो हमारे पास ये जो पार्टिकल है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मान लो टी इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये कब है, जब वो टाइम जीरो था, ये था. ठीक है, यहाँ पे उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट, मास दे रखा है, फोर्स दे रखी है, तो एक्सेलरेशन मेरे पास कितनी आ जाएगी, फोर्स अपॉन मास, दैट इज 8/0.4, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई एक्सेलरेशन. कौन सी डायरेक्शन में है वो लग रही है, नॉर्थ, मतलब फोर्स लग रही है साउथ की तरफ, ऊपर है नॉर्थ, इस तरफ है साउथ, तो फोर्स जो है वो इस तरफ लग रही है, मतलब एक्सेलरेशन भी इसी तरफ होगी. राइट, तो पहले कुछ टाइम के लिए वो रिटार्ड करेगा. चलो लेट्स सी, ये उसने ये बोला कि ये जो फोर्स है कितने सेकंड के लिए लग रही है, 30 सेकंड के लिए. ठीक है, चलो टेक द इंस्टेंट हमें प्रेडिक्ट दी. अब हम बात करेंगे ये फोर्स कब से कब तक लगी, जीरो से लेके 30 सेकंड्स तक, जीरो से लेके 30 सेकंड्स तक फोर्स लगी है. हाँ के ना? Yes, तो जीरो से पहले कोई फोर्स नहीं लग रही थी, बॉडी कितनी तेजी से भाग रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो 5 सेकंड पहले वो कितने मीटर पीछे होती, 10 मीटर्स, 5 × 10 दैट इज 50 मीटर्स पीछे होती. राइट, तो उसकी जो पोजीशन होती वो -50 होती. करेक्ट, यस सर. अब हम बात करेंगे 25 सेकंड्स, प्रेडिक्टेड इट्स पोजीशन एट 25 सेकंड्स. अब 25 सेकंड्स पे यहां से स्टार्ट करते हैं, जीरो से 25 सेकंड्स तक फोर्स लग रही है 30 सेकंड्स तक, तो कोई दिक्कत नहीं. तो हम एक्सेलरेशन, मतलब हमें पोजीशन फाइंड करनी है, तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं. तो मैं अब सॉल्व कर रहा हूं 25 सेकंड्स के लिए, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू कितना लेंगे, 10. हम लगाएंगे इक्वेशन फॉर 0 टू 25 सेकंड्स, तो यू कितना है 0 सेकंड पे, 10. टाइम कितना लगा, 25 प्लस एक्सेलरेशन कितनी है, 20 माइनस 20 प्लस 20 माइनस 20 एक्सक्यूज मी सर. हां जी सर, इस टाइम पे तो एक्सेलरेशन लग रही होगी उस पे 0 सेकंड्स पे सर, 0 के बाद, 0 सेकंड के बाद. हां उसने बोला ना द फोर्स ऑफ 8 न्यूटन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ एक्स फॉर 30 सेकंड्स. ठीक है, तो जीरो से लेके 30 सेकंड्स तक उस पे फोर्स लग रही है, इनटू टाइम इज अगेन 25 का स्क्वायर. तो यहां से मेरे पास उसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी. ठीक है, कितनी आ गई डिस्प्लेसमेंट, -6000. कितनी, -6000. -6000 आ गई. ठीक है, तो -6000 पे होगा वो 25 सेकंड पे.
ठीक है, तो दैट मीन्स कुछ टाइम के लिए जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती तब तक वो आगे जाएगा, इधर जाएगा, जैसे ही जीरो होती है तो क्योंकि फोर्स पीछे को लग रही है तो वापस मुड़ जाएगा और पीछे -6000 पे पहुंच जाएगा, राइट? नाउ जो थर्ड पार्ट है वो है 100 सेकंड्स का। क्या मैं जीरो से लेके 100 सेकंड्स तक की सिंगल इक्वेशन लगा सकता हूँ? नो सर। नो सर। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि फोर्स 30 सेकंड्स का है, राइट? एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही नहीं है, एक्सेलरेशन जो है या बोल लो रिटार्डेशन जो है तो वो 30 सेकंड्स तक ही है, 30 सेकंड्स के बाद से लेके 100 सेकंड तक, 70 सेकंड जो अगले 70 सेकंड है उसके लिए, उस पे उतने टाइम के लिए वो बॉडी जो है वो एक्सेलरेट या रिटार्ड नहीं कर रही, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी पे चली, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम इक्वेशन लगाएंगे पहले जीरो से 30 तक की, तो एस निकालेंगे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू है हमारा 10, टी है 30, माइन प्लस हाफ -20 इंटू 30 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास जीरो से 30 मीटर, जीरो से 30 सेकंड तक के मीटर आ जाएंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, तो पोजीशन आ जाएगी मेरी 30 सेकंड्स बाद बॉडी कहाँ पे है वो पता लग गया। अब मुझे इक्वेशन लगानी है 30 से 100 तक, लेकिन क्या मुझे वेलोसिटी पता है 30 सेकंड बाद उसकी क्या हो जाएगी? Yes, तो मुझे एक और इक्वेशन लगानी पड़ेगी 0 से 30 सेकंड तक की फर्स्ट इक्वेशन, ताकि मुझे वेलोसिटी पता लगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इनिशियल वेलोसिटी 10 है प्लस एक्सेलरेशन -20 है और टाइम कितना है 30 सेकंड, तो -590 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी आ गई। 30 सेकंड बाद जो वो वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा -590 होगी। अब मैं इक्वेशन लगा पाऊंगा फ्रॉम 30 सेकंड टू 100 सेकंड का डिस्टेंस, 70 सेकंड का टाइम है, तो मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आई विल यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट इज, फॉर एक्सेलरेशन तो जीरो ही है तो u यूज कर लेंगे हम, -590 × 70, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो और आगे, उतना और आगे चला जाएगा, वो 6000 से और आगे चला जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, तो ऐसे हमें उसकी पोजीशन पता लग जाएगी। यहाँ से ये कितना रहा s1, s1 बताना कितना रहा सॉल्व करके, -1320 आएगा। ओके, तो मतलब वो ओरिजिन से 8700 मीटर साउथ की तरफ है, ठीक है, और जो S2 है वो कितना आएगा सॉल्व करके, -41300 ठीक है, तो इतने मीटर और पीछे चला जाएगा 30 से लेके 100 सेकंड में, तो टोटल उसकी पोजीशन जो जीरो से जाएगी उसके लिए हम इन दोनों टर्म्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल जो उसकी पोजीशन होगी 100 सेकंड पे वो इन दोनों को ऐड करके जो भी आएगा माइनस में वो आंसर होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। 1000 मीटर ठीक है, चलो ये NCERT का क्वेश्चन है। हाँ जी, पार्ट सी में बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 1, 2
थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को सेकंड इक्वेशन से करेंगे फिर सेम आंसर आएगा अगर थर्ड से कर रहे हैं कौन से क्वेश्चन को थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन से दोनों में से कोई भी दोबारा बोलो आई एम नॉट गेटिंग यू तुम्हारी आवाज बहुत कम आती है सर अगर हम थर्ड क्वेश्चन को सेकंड इक्वेशन से करेंगे फिर मेरा आंसर सेम नहीं आ रहा जो थर्ड इक्वेशन से आ रहा है थर्ड क्वेश्चन को यस सर A mass of mkg is subjected to a constant force of fkg weight for t seconds. Since the body is at rest under the action of the force, the body moves a distance x meters. Acquires a velocity v. वैसे तो कर लो जिससे मर्जी आंसर तो आएगा सेकंड से नहीं आ रहा मेरा थर्ड से तो आ जाएगा पता नहीं क्यों तुम एक बार भेज देना मेरे को ठीक है सर ठीक है व्हाट्सएप कर देना आई विल चेक योर मिस्टेक नेक्स्ट फाइव तक कोई डाउट सिक्स्थ ओके सिक्स्थ क्वेश्चन में थ्री वेक्टर्स हमें दे रखे हैं ए बी सी आर ऑफ मैग्नीट्यूड 10, 5 एंड ये तो वेक्टर वाला क्वेश्चन ही है इधर कैसे आ गया ये हाँ नमन क्या डाउट है इसमें तेरा आंसर नहीं आ रहा अरे यार सिर्फ 5√13 आ रहा है मेरा A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। A है 30 डिग्री पे मैग्नीट्यूड है 10, B वेक्टर है 120 पे मैग्नीट्यूड है 5 एंड जो C वेक्टर है वो 300 पे 300 डिग्री कहाँ पे बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या वो फाइव के बिल्कुल पीछे बनेगा यस सर टेन सर पूरा पीछे कैसे बनेगा हाँ जी पूरा पीछे कैसे बनेगा बिल्कुल फाइव के पीछे क्यों बनेगा क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है 300 तो ये कितना बचा 60 ये पूरा एंगल कितना है हमें पता है 90 इधर वाला 90 है ना ये 90 है तो 60 और 30 90 हो गया तो 5 के बिल्कुल पीछे बनेगा तो 5 और 10 नेट कितना बच जाएगा 5 और 10 नमन तो 5 और 5 ये वाला जो 5 बचा लाल रंग वाला और ये वाला 10 ये दोनों कितने एंगल पे हैं 90 पे आ गया सर मैंने दूसरे मेथड से किया था पहले फर्स्ट और थर्ड वेक्टर को सॉल्व करने लग जा रहा हूँ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो ये ज्यादा इजी है ना अदरवाइज रिजॉल्व कर लो सबको वो भी हो सकता है लेकिन उससे जल्दी सबसे छोटा मेथड यही है 7 8 9 नो सर डन क्वेश्चन 8 टू पर्संस मैनेज टू पुश अ मोटर कार ऑफ मास 600 केजी एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द लेवल रोड ठीक है तो एक गाड़ी है जिसको हाँ जी सर मेरा बस ये मेरा आंसर तो आ गया लेकिन मुझे लग रहा है जो इन्होंने आंसर दिया है ना यहाँ पर ये तीनों पर्सन की कंबाइंड फोर्स का आंसर नहीं है देख लेते हैं क्या दिया हुआ पहले पहले ना आप क्वेश्चन सारा पढ़ो और फिर देखो कि निकालना क्या है फिर आपको शायद मेरा डाउट समझ में आ जाएगा मुझे याद है क्वेश्चन पार्सल कराता हूँ बोलो सर
जब उन्होंने कहा अभी 3% पुश कर रहे हैं इस कार को, तो फिर एक्सेलरेशन 0.2 आ रही है ना, तो फिर सर मैंने फोर्स निकाल ली 120 न्यूटन आ गई टोटल जो उस पे लग रही है। और इन्होंने पूछा है कि ईच पर्सन कितनी निकालेगा, तो 120 बाय 3 कर दिया मैंने ना, वो तो एक पर्सन ही लगाएगा। देखो सुनो, यस पहले क्या है, पहले दो लोग इसको पुश कर रहे हैं गाड़ी को, लेकिन अब एक बात बताओ मुझे, अगर दो बंदे इस गाड़ी को पुश करेंगे तो इस पे नेट फोर्स राइट को नहीं बनगी? यस सर, यस सर। तो ये बॉडी, ये कार जो है वो एक्सेलरेट नहीं करनी चाहिए? यस सर। बट कार किस पे जा रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका मतलब एक रेजिस्टिव फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, हाँ के ना? यस सर। एफ रेजिस्टिव लग रही है एक पीछे की तरफ, जो कि 2F के बराबर होनी चाहिए, हाँ के ना? यस सर। तो नेट फोर्स कितनी हो गई? जीरो। तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई? जीरो। तो वेलोसिटी क्या हो गई? ये चमका यहाँ तक, ठीक है? Yes, far as resistive force. Right. ठीक है, अब क्या हुआ? The same motor car is being pushed by the three people. अब तीसरा, इनका एक और दोस्त आ गया, लाल रंग से बना लेते हैं उसको, एक और आ गया F. अब net force कितनी बन गई? F. Right की तरफ 3F है, left की तरफ 2F है, net कितनी बन गई? F. और इस नेट फोर्स ने कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की? 0.2 इनटू मास कितना है? 600। तो फोर्स कितनी आ गई? 120। तो क्या ये जो F नेट फोर्स थी, क्या ये तीनों की फोर्स थी या हर एक की अलग अलग अपनी अपनी फोर्स भी तो F ही है? यस, अलग अलग होगी। तो इसको आगे डिवाइड बाय 3 करना। यस ठीक, ठीक है। 9 तक कोई और डाउट है? हाँ जी सर, जैसे मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन नहीं पूछा था, ये जैसे यहाँ पर राइट साइड में 6 क्वेश्चन है, ये पूछा था ना मैंने आपसे? हाँ हाँ। तो वर्टिकल पे भी सेम ही अप्लाई होता है कि जैसे जो टेंशन है वो ऊपर वालों की भी इंक्लूडेड होती है? बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही अप्लाई होता है। ठीक है सर, सेम चीज सेम कांसेप्ट उसमें भी अप्लाई होता है। ओके सर, थर्ड क्वेश्चन। कौन सा? थर्ड। थर्ड? यस सर। सी पार्ट का? यस सर। हम काइनेमैटिक्स के डाउट्स, काइनेमैटिक्स के डाउट्स रह गए हैं ना, वो ले लेते हैं अभी। कोई नहीं, कुशल बाद में पूछ लेना, ठीक है? अभी हो गए ना डिस्कस, वो कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस दोस्त।